ओके जी, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, अमेजिंग बाइक। इस बाइक की जब मैंने फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ली थी, आई रियलाइज कि इस बाइक पे पहाड़ों पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड इस बाइक को लेने के बाद में आई थिंक 4-5 दिन बाद ही मैं पहुंच गया था पहाड़ों में बिनसर अपने फर्स्ट ट्रिप में, एंड इट वॉज अमेजिंग राइड। वैसे तो ये बाइक सिटी हो या हाईवे हो या पहाड़ हो, हर जगह बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। बट मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा ओपिनियन, तो ये बाइक को पहाड़ों पर चलाने का अलग ही फन है। माउंटेन ट्विस्टीज पे ये बाइक बहुत ही बढ़िया मनोहर होती है, बहुत ही बढ़िया निम्बल फील होती है, एंड एक्चुअल में आपको फन फील होता है इस बाइक के साथ में। एंड अगर आपको बाइक पे टूरिंग करनी है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, तो आपको प्रॉपर जो लगेज सिस्टम है बाइक के लिए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जो टूरिंग सेटअप इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा, वो दोनों बाइक के लिए है, स्क्रैम्बलर के लिए भी और स्पीड के लिए भी। अगर आप वंस इन अ वाइल बाइक पे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करने वाले हो, देन आई सजेस्ट कि आप कोई भी बैकपैक लेके, कोई बड़ा बैकपैक लेके जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, उसको पीछे सीट पे प्रॉपरली बंजी कॉर्ड से टाई करके आप टूरिंग कर सकते हो। बट अगर आप रेगुलर बाइक पर टूरिंग करने वाले हो, तो आई सजेस्ट कि आपको बाइक के लिए प्रॉपर जो लगेज सिस्टम होता है, चाहे टेल बैग हो गया या फिर आपका सैडल बैग हो गए या टैंक बैग हो गया, टॉप बॉक्स हो गया, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट 3 साल से बाइक पर टूरिंग कर रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट सब तरह के जो लगेज सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैं अपने स्क्रैम्बलर पे कौन सा लगेज सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं इस बाइक पे एक टॉप बॉक्स और एक टेल बैग, फिलहाल मैं ये दोनों सेटअप जो है यूज़ करने वाला हूँ। अब बात करते हैं पहले हम टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स के लिए आपको इस बाइक में, मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, स्क्रैम्बलर की, दोनों के लिए, दोनों बाइक में जो है आप एक कॉमन जो आपका टूरिंग सेटअप है वो यूज़ कर सकते हो। ये टॉप बॉक्स जो है आप अपनी स्पीड में यूज़ कर सकते हो, ये टेल बैग भी है अपनी आप स्पीड में यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं पहले टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स देखो, ये आता है आपका हार्ड लगेज में, ये बैग आता है आपका सॉफ्ट लगेज में। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बाइक पर टूरिंग कर रहे हो, तो आपको एक हार्ड लगेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, आइदर टॉप बॉक्स और पैनियर्स। पैनियर्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टॉप बॉक्स आई थिंक काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। रीज़न बीइंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक हार्ड लगेज, इस टॉप बॉक्स का फ़ायदा ये है, इस टॉप बॉक्स का या कोई और टॉप बॉक्स जो भी आप यूज़ करते हो, ये लॉक एंड की में होता है आपका। एंड आप सोलो राइड कर रहे हो, आपको कहीं ब्रेक लेना है बीच में, बाइक आपको कुछ देर के लिए कहीं पार्क करनी है, आपको वॉशरूम जाना है, उस केस में आपका जो इंपॉर्टेंट सामान है वो आप अपना इस हार्ड लगेज में टॉप बॉक्स पे रख सकते हो लॉक एंड की में। तो सेफ्टी वाइज आपका जो सामान है इस हार्ड लगेज में टॉप बॉक्स में ज़्यादा सेफ रहेगा। मैं जो है इसमें एक कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ, टॉप बॉक्स प्लस एक सॉफ्ट लगेज, क्योंकि है ये टेल बैग। पहले बात करते हैं इस टॉप बॉक्स की। इस टॉप बॉक्स को इस बाइक पर इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको लगाना पड़ेगा इस बाइक पर एक टॉप रैक। ये है नीचे टॉप रैक, यहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है और ये इसकी प्लेट है नीचे की तरफ, एंड उसके ऊपर ये टॉप बॉक्स जो है फिट है। अब ये टॉप रैक जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपनी बाइक पे टॉप बॉक्स यूज़ करना है। रीज़न बीइंग कि जो भी आपका वेट है पूरा टॉप बॉक्स का, वो आपका टॉप रैक के ऊपर आएगा। एंड अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो इसका यहाँ से टूटने का, ब्रेक होने का चांस रहता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, मेरे एक फ्रेंड ही है, उनका टॉप रैक जो है 2 बार टूटा, एक बार स्पीति में, एक बार लद्दाख में। एज़ पर कंपनी, जो भी कंपनी का था, मुझे ध्यान नहीं कंपनी का नाम, वो रिप्लेसिबल था और वो टूट गया, तो कंपनी ने 2 बार रिप्लेस कर दिया। बट आप सोचो, बंदा लद्दाख में है, स्पीति में है, वहाँ आपका टॉप रैक टूट जाता है तो आप कितना फंस जाओगे, कितनी दिक्कत आपके लिए। समहाउ जहाँ उनका वो टॉप बॉक्स टूटा, वो उसको वहाँ से टेम्पो में अपनी बाइक, मतलब अपने टॉप बॉक्स को टेम्पो में रख के लेके आए किसी सिटी में, वहाँ उन्होंने वेल्डिंग कराई, काम चलाया अपना। तो ये टॉप रैक आपको अच्छी क्वालिटी का लगाना ज़रूरी है। ट्रायम्फ स्पीड या स्क्रैम्बलर 400 लेने में ये फ़ायदा है कि इस बाइक के साथ में कंपनी प्रोवाइडेड आपको अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी स्टर्डी ये टॉप रैक मिलता है, जो कि नीचे तक आ रहा है, पीछे तक आ रहा है, और यहाँ एक प्लेट है, उसके ऊपर टॉप बॉक्स है। आप चाहो तो जाना का ले सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप कंपनी का लो, इसमें यहाँ पर काफ़ी स्टर्डी है ये। एंड ये जो टॉप बॉक्स है, ये है जीवी का, इसका मॉडल है बोल्ड 32। ये 32 लीटर का टॉप बॉक्स है, फाइबर का है, लॉक एंड की में है, इसमें आपका एक फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाता है। मैं इस टॉप बॉक्स में अपना लैपटॉप प्लस ड्रोन प्लस मेरी बैटरीज होगी, जो कैमराज की, गोप्रो की, जो भी मतलब मेरी व्लॉगिंग का सेटअप है, वो इसमें मैं कैरी करता हूँ। सफिशिएंट स्पेस है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें लगाना उतारना बहुत ईजी है। तो ये है टॉप रैक, नीचे की तरफ जो है टॉप रैक है, ये जो आ रही है इसकी बार्स, और ऊपर ये टॉप प्लेट है एलुमिनियम की, जो कि पार्ट ऑफ टॉप रैक है। उसके ऊपर ये जीवी की बेस प्लेट है, जो मेरा टॉप बॉक्स है उसकी ये बेस प्लेट है। एंड ये आ गया अपना
टॉप बॉक्स, इसको लगाना बहुत इजी है। ये जो इसके दो पॉइंट्स हैं ये अंदर जाएंगे इसके, और आपको बस यहां से ये अंदर जाएगा और लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया, आपने की घुमाई, नाउ दिस इज लॉक। इसको निकालने के लिए आपको वापस की लगानी है, घुमाना है इसको, और ये जो की है, ये जो लीवर है, ये प्रेस करना है आपको तो बाहर आ जाएगा। एक बार लॉक हो गया तो अब ये बाहर नहीं आने वाला और ये कहीं नहीं गिरता। बॉक्स को ओपन करने के लिए वापस की लगाई, ऊपर का जो ये पॉइंट है, जो बटन है, ये ओपन, ये प्रेस करना है आपको और ये आपका ओपन हो गया। यू कैन सी इसमें एक हेलमेट है, ये एक हाफ फेस हेलमेट है, अदरवाइज इसमें एक फुल फेस हेलमेट मैं कैरी करता हूँ, नो इश्यूज, अच्छा खासा स्पेस है, लैपटॉप ड्रोन इसमें आपका आराम से आ जाएगा। अब ये बॉक्स है तो फाइबर का और इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 7000 के आसपास है, बट आई कैन श्योरली से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस टॉप बॉक्स को मैं ऑलमोस्ट लास्ट 1.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने इस टॉप बॉक्स को स्पीति वैली में यूज़ किया है, मनाली में यूज़ किया है। मैं अपनी स्पीड के साथ में इस टॉप बॉक्स को लद्दाख नहीं ले जा पाया था क्योंकि उस टाइम टॉप रैक नहीं था मेरे पास, एंड काफ़ी स्टर्डी है इसका जो मैकेनिज्म है, लॉक एंड की का जो इसका मैकेनिज्म है वो काफ़ी स्टर्डी है। आप बाइक जैसे मर्जी राइड कर रहे हो, ये निकलने का चांस इसका बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो टॉप बॉक्स है ये है फाइबर का, प्लास्टिक का। इसमें आपके पास ऑप्शन आती है, आप अल्यूमिनियम का जो है टॉप बॉक्स ले सकते हो, जो कि मैंने अपने हिमालयन के लिए लिया है। अल्यूमिनियम का टॉप बॉक्स थोड़ा सा आपका हैवी रहेगा, थोड़ा सा आपका एक्सपेंसिव रहेगा, बट ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी रहेगा। इस टॉप बॉक्स में ये दिक्कत है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी बाइक गिरती है और यहाँ पर इम्पैक्ट आता है, कोई पत्थर वत्थर लगता है, अच्छा खासा पत्थर लगता है, तो श्योरली ये टूट जाएगा, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी कभी ऐसा मतलब अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट आई फील कि एल्युमिनियम का जो है वो आपका काफ़ी स्टर्डी रहेगा, वो आपका इम्पैक्ट जो है झेल लेगा। बट ऑफकोर्स इसका बेनिफिट भी है, काफ़ी लाइट वेट है, लगाने में उतारने में काफ़ी ईजी है। और इस बाइक पर आई फील कि ये 32 लीटर का जो टॉप बॉक्स है ये एकदम परफेक्ट साइज़ लग रहा है। इससे आप हल्का सा बड़ा ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, 40-45 लीटर का जो मैंने अपनी हिमालयन में लगाया है वो भी आप ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये इस बाइक की लुक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो स्क्रैम्बलर की जो लुक है वो एक काइंड ऑफ लीन बाइक, ऊंची बाइक ऐसी लुक है, एंड ये जो टॉप बॉक्स है ये बिल्कुल बल्की नहीं लग रहा। तो आई फील कि अगर आप इस शेप का, स्क्वेयर शेप का टॉप बॉक्स नहीं लेना चाहते हो तो आप कोई ओवल शेप का टॉप बॉक्स ले सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि एक स्क्वेयर शेप का जो टॉप बॉक्स है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि आप कुछ भी आप सामान कैरी करते हो, आप रखते हो अपने बॉक्स में, वो स्क्वेयर शेप में होता है या रेक्टेंगल शेप में होता है, तो स्पेस जो है बॉक्स के अंदर वो प्रॉपरली मतलब यूज़ हो जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो ओवल शेप का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं टेल बैग की। ये है वाइटारा का हैमर हेड टेल बैग और इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, ये है 6000 रुपीज़ के आसपास का। मैंने ये बैग ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल पहले परचेज किया था, उस टाइम इसका प्राइस 6200 के आसपास था, अभी मे बी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। इसमें बहुत बेनिफिट है इसलिए मैंने ये बैग परचेज किया था, एंड अभी भी बहुत स्टर्डी है ये बैग। इसकी जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिपर है साइड में, इसको लगाने का मैकेनिज्म, उतारने का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है। आपने एक बार ये नायलन थ्रेड जो है यहाँ पर, नायलन जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो स्ट्रिप्स बोलते हैं, ये आपने लगा दी, उसके बाद में ट्रिप में आपको बैग में लगाना उतारना बहुत ईजी है। एंड इस बैग के साथ में आपको अंदर मिलती है एक रेन लाइनर, बाहर भी मिलता है आपको रेन लाइनर। इस बैग को लगा के मैंने लद्दाख किया था लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, एंड अच्छी खासी बारिश में, अच्छी खासी स्नोफॉल में हमने बाइक राइड की थी और एक बूंद भी पानी इसके अंदर नहीं गया था। तो और ये हमने अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी की थी और बैग मतलब कहीं हिलता नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जो ये थ्रेड जो है, ये नायलन की जो रोप्स है, ये लूज होती हैं, आपको टाइट करनी पड़ती हैं आफ्टर 100-150 किलोमीटर्स, बट अदरवाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही स्टर्डी है। एंड अगर आप इस बैग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इस बैग का एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें मैंने इस बैग के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है। इतना डिटेल में बताया कि आई सपोज कंपनी ने भी अपने ब्लॉग में इसके बारे में इतना अच्छा नहीं बताया होगा, तो आप वो ब्लॉग चेक कर सकते हो, उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा आई बटन में। अब नॉर्मली टेल बैग 40 लीटर्स कैपेसिटी के या फिर 45 लीटर्स कैपेसिटी के आपको 2500 की रेंज में या फिर 3000 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। मेरे एक आध फ्रेंड जो है कुछ टेल बैग यूज़ करते हैं और उनके उनका उनका जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, उनके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इन केस यू वांट टू चेक। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट इशू नहीं है तो यू कैन श्योरली गो विद दिस बैग। अगर आपको इस बाइक पर टूरिंग करनी है
32 लीटर प्लस 45 लीटर, ये जो आपका लगेज, ये जो कैपेसिटी है लगेज की, ये मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है फॉर वीक और 10 डेज। एंड अगर आपको कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप इस टॉप बॉक्स के साथ में एक 75 लीटर का जो है ये टेल बैग ले सकते हैं। ये टेल बैग दो ऑप्शन में आते हैं, मतलब दो कैपेसिटी में आते हैं, 45 लीटर ये वाला, एक बड़ा वाला जो आता है 75 लीटर का। मैंने जब लद्दाख किया था तब दिक्कत ये थी कि मेरी स्पीड में उस टाइम टॉप बॉक्स नहीं था और सैडल स्टे भी नहीं आए थे उस टाइम, मार्केट में कुछ भी नहीं आया था और मुझे लद्दाख करना था 20-21 दिन का। तो मैंने एक टैंक बैग यूज़ किया था 25 लीटर का, आई थिंक मेरा 28 लीटर का है, मेरा वाइटर का ही है, वो भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और एक टेल बैग यूज़ किया था मेरे फ्रेंड का, सेम हैमर हेड विथ 75 लीटर कैपेसिटी। तो 75 लीटर प्लस आई थिंक 25 या 28 लीटर, तो 100 लीटर कैपेसिटी में मैंने 21 डेज का लद्दाख ट्रिप किया था। तो अगर आप चाहो तो 75 लीटर का ये बैग ले सकते हो या फिर कोई और टेल बैग जो है ज़्यादा कैपेसिटी का ले सकते हो। आप चाहो तो इस बाइक पे टेल बैग की जगह आप सैडल बैग लगा सकते हो, सैडल स्टे आपको लेने पड़ेंगे। सैडल स्टे जो है मोटोटॉर के आते हैं कंपनी के, मैंने देखे हैं एक बाइक में, तो आप वो लगा सकते हो। मेरा कोई प्लान नहीं है इसमें सैडल बैग यूज़ करने का। सैडल बैग जो है मेरे पास वाइटेरा के हैं, उसका भी मैं आपसे लिंक शेयर कर लूँगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक पे इसकी लुक्स को, मतलब इसकी लुक्स के साथ ना, जैसे इसकी लुक्स है स्लीक लुक, उसके साथ में सैडल बैग उतने अच्छे लगेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है लगेज कैरी करने की और अगर आपको पिलियन को साथ में लेके जाना है और आपको लंबे ट्रिप पे जाना है इस बाइक पे, तो श्योरली आप इसमें टेल बैग जो है कैरी नहीं कर सकते हो, आपको सैडल बैग लेने पड़ेंगे, उस केस में आप जा सकते हो। मैं जो है मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जो करता हूँ मैं सोलो ही करता हूँ, मतलब विदाउट पिलियन करता हूँ, तो उस केस में मैं विदाउट सैडल स्टे, विदाउट सैडल बैग इस बाइक पर ट्रैवलिंग करूँगा। सैडल स्टे मैंने इस बाइक के लिए आपको बताया दिए हैं कि मोटो टॉर्क के आते हैं मार्केट में, और किसी कंपनी का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी कंपनी के आते हैं, आई थिंक जाना के शायद नहीं आते हैं। अब बात करते हैं टैंक बाइक की। देखो इस बाइक पे जब मैं बात कर रहा हूँ इस बाइक की, दैट मीन्स स्क्रैम्बलर और स्पीड, स्पीड पे स्क्रैम्बलर पे आपको टैंक जो है छोटा मिलता है। मैंने मजबूरी में टैंक बैग यूज़ किया था अपने फर्स्ट लद्दाख ट्रिप पे स्पीड पे, और मेरा था 28 लीटर का टैंक बैग। तो उससे दिक्कत क्या होती है, वो पूरा आपका एरिया ये ले लेता है और उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है आपको। अगर किसी और बाइक में, मे बी आप किसी जैसे होंडा हाइनस थी, उसमें मुझे टैंक बैग के साथ में 28 लीटर के टैंक बैग के साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसमें आई फील कि अगर आपको टैंक बैग लगाना भी है तो आई थिंक 10-15 लीटर की जो कैपेसिटी का है वो टैंक बैग ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा इस बाइक के लिए, आपकी मूवमेंट में जो है दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप टेल बैग यूज़ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, आप आगे की तरफ जो है लगा सकते हो, बट आई विल नॉट पर्सनली रिकमेंड कि टेल बैग जो है आप इसके लिए आपको लेना चाहिए। अगर हाँ है, यूज़ करना चाहते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग 32 लीटर दिस, 45 ये, अगर बड़ा करना है तो 75 लीटर हैमर हेड, ये एक काइंड ऑफ जो है एक स्लीक सेटअप है इस बाइक के लिए। एंड एक और चीज़, बाइक पे आप जब भी टूरिंग कर रहे हो, चाहे आप टेल बैग यूज़ कर रहे हो या फिर आप सैडल बैग यूज़ कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको साथ में दो स्पेयर बंजी कॉर्ड अच्छी वाली कैरी करनी चाहिए। एट टाइम्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जैसे मैं लद्दाख गया था या फिर स्पीति आ गया था, मैं कहीं भी जाता हूँ नॉर्मली, तो मैं 2-3 एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड साथ में लेके जाता हूँ। और ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये सब बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक करना, एक कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। बाकी ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। स्टिल कोई पॉइंट आपके माइंड में हो जो आप उसे पूछना चाहते हो, देन ऑफकोर्स कमेंट करो, यूट्यूब पे DM करो, इंस्टाग्राम पे, मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट आए बट आएगा ज़रूर। और हाँ यार, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और एक ट्रिप प्लान किया था मैंने जो कि अभी हो नहीं पाया, बट जल्दी मैं ट्रिप पर निकलने वाला हूँ। और क्या कुछ चल रहा है लाइफ में, काफ़ी कुछ एक्साइटिंग चल रहा है, मैं आपसे शेयर करूँगा जल्दी। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।